हेलो दोस्तों, साउथ की एक और नई फिल्म आ गई है पोन्नियिन सेल्वन PS1, जिसका में दमदार करेक्टर को लिया गया है और साउथ के तमाम एक्टर इस फिल्म में काम किए हैं, जैसे कार्थी, जियान, विक्रम, प्रकाश राज, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म में काम किए हैं और फिल्म में पैसा भी खर्चा किया गया है। लगभग इस फिल्म का बजट 500 करोड़ है। 500 करोड़ को खर्चा किया गया इसमें पूरा दिखता है, ऐसा नहीं है कि कुछ दिखता नहीं है कि 500 करोड़ कहाँ खर्चा हुए नहीं हुए, और काम भी लोग अच्छे से किए हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये स्टोरी समझ में नहीं आती, क्योंकि एक सीन चलता रहता है सामने, तब तक वो पूरी समझ में नहीं आती, दूसरी सीन आ जाती है। काफ़ी दर्शक तो ये फिल्म को देखते देखते आधी फिल्म ख़त्म हो गई, इंट्रोल हो गया, इंट्रोल तक वो लोगों को फिल्म समझ में नहीं आई, और एक दूसरे से वो लोग बात करते थे कि भैया आपको फिल्म समझ में आई क्या, इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब एक दूसरे का मुंह देखते थे और हंसते थे कि हमको तो नहीं समझ में आई, आपको समझ में आई हो तो बताओ। हमको तो लगता है कि थोड़ा पिक्चर अगर लास्ट तक देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और इस PS1 को अगर 1-2-3 बार देखेंगे तो हो सकता है कि पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। अभी तो ये Part 1 है, हो सकता है कि Part 2 आए, तो Part 1 और Part 2 दोनों को देखने के बाद हो सकता है कुछ पिक्चर को समझ में आए, फिल्म समझ में आए। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि अगर जो PS1 देख चुका है वो अपना PS2 को दोबारा देखने के लिए थिएटर में जाएगा, क्योंकि पहले ही इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, दोबारा इंटरेस्ट वो लाएगा कहाँ से और पैसे कहाँ से लाएगा। वो तो सोचेगा कि फालतू की फिल्म है और समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर पूरी स्टोरी को समझना है तो Part 1 और Part 2 दोनों को देखना चाहिए, तभी हम कुछ क्लियर कर पाएंगे कि स्टोरी सही है कि गलत है, क्या है। इसमें पूरे फिल्म में राजनीति दिखाया गया है, कोई किसी का राज्य हड़पना चाह रहा है, कोई किसी को मार रहा है, लेकिन जब तक पूरे फिल्म को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये पोन्नियिन सेल्वन कौन है, उनके राज्य में क्या था, उनके लड़के कौन थे, उनका भाई कौन था, उनका बहन कौन था, उनके राज्य में क्या चल रहा था। जब तक हम पूरी स्टोरी को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हमको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। और ये फिल्म देखा जाए तो कॉमन मैन के लिए कुछ है नहीं। डायरेक्टर साहब पता नहीं क्या सोच के ये फिल्म को बनाए हैं, जैसे उनको लगता था कि पूरी स्टोरी एक कॉमन मैन पढ़ चुका है, समझ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यह पूरी फिल्म दिमाग के ऊपर से, सर के ऊपर से जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट तक देखने के बाद, इंट्रोल तक देखने के बाद कुछ दर्शक तो धीरे 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 करके बाहर जाने लगे थे और धीरे धीरे थिएटर खाली होने लगा था। इससे ये लगता है कि दर्शकों को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया इस फिल्म में, इसलिए वो लोग फिल्म एंजॉय नहीं कर पाए और यहाँ से जाने लगे। बड़ी फिल्म में यह दिक्कत थी कि कैरेक्टर तो अच्छे अच्छे थे, लेकिन क्या था कि काम भी अच्छे अच्छे किए थे, लेकिन वो स्टोरी समझ में नहीं आई। अगर जब तक स्टोरी समझ में नहीं आती है, कुछ मतलब नहीं निकलता है फिल्म का, क्योंकि हमारे सामने एक सीन चल रही है, जब तक हम उस सीन को पूरे समझ नहीं पाते हैं, तब तक हमारे सामने दूसरी सीन आ जाती है, और हम दूसरी नहीं समझ पाते हैं तब तक तीसरी आ जाती है, तीसरी समझ नहीं पाते हैं तब तक चौथी आ जाती है, और पूरा का पूरा इसी तरह फिल्म दिमाग से ऊपर से निकल जाता है। और नाम भी वहाँ जगह के खतरनाक रखे थे, कि अगर वहाँ का हम नाम याद करें कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, तब नाम भी ठीक से समझ में नहीं आएगा, नाम भी डेंजर तरह से थे। हमको तो लगता है कि 5% दर्शक को ही ये फिल्म समझ में आई होगी, बाकी 95% दर्शक तो फिल्म को समझ ही नहीं पाएंगे कि फिल्म में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और कर क्या रहे हैं। इतनी बड़ी फिल्म और इतना बड़े बजट का फिल्म अगर बनाना था, तो हमारे हिसाब से इसको Part 1 Part 2 लाने से अच्छा था कि इसको सीरीज में लेके आते और पूरी की पूरी स्टोरी अच्छे से समझाते, दिखाते, और इससे दर्शक को कुछ समझ में आता और वो फिल्म को एंजॉय करते। लेकिन इस तरह से तो हमको तो नहीं लग रहा है कि दर्शक को कुछ समझ में आएगा, क्योंकि Part 1 देखने में अगर उनको कुछ समझ में नहीं आया तो हमको तो नहीं लगता कि Part 2 देखने के लिए वो थिएटर में जाएंगे और अपना टाइम और पैसा दोनों को बर्बाद करेंगे। ठीक है दर्शकों, आप लोग एक बार ये फिल्म को देखिए और वहाँ को बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।